ऋतवी गार्डनिंग एंड पेट्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप ये मेरे सारे जो प्लांट देख रहे हैं, हमने 3 फरवरी को इन प्लांट को मीडिया से बाहर निकाला था और आज 14 फरवरी है। इन्हें हम पॉट में शिफ्ट करेंगे और लगभग 11 से 12 दिन हो रहे हैं ये प्लांट बिना मिट्टी के थे, और जब हमने इन्हें निकाला था तो लगभग 1 सप्ताह पहले से हमने इनका पानी टोटल बंद कर दिया था, और 1 सप्ताह वो और 12 दिन, ये 18-19 दिन हो रहे हैं, और रिपोर्टिंग करने के बाद भी हम इन्हें 3-4 दिनों के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद हम इन प्लांट को पानी देंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कौन सा मीडिया यूज़ कर रहे हैं इनके लिए, और उसमें हम खाद को कितना यूज़ कर रहे हैं और कौन सी खाद हम यूज़ कर रहे हैं, उस विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज कि आप ये जो मीडिया देख रहे हैं, हमने इस मीडिया को इन्हीं प्लांट से निकाला था और इसी प्लांट के इसी मीडिया को हम जो है रिपोर्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। और हमारे यहाँ संडे के दिन बारिश हो गई थी, बारिश के चलते हमारे कुछ हिस्सा जो है मीडिया का, ये देखिए गीला हो गया है, जो इसे हम यूज़ नहीं करेंगे ये मीडिया को, इस मीडिया को जो हमारा ड्राई मीडिया है इसे हम यूज़ करेंगे, और इसे हमने अच्छी तरीके से सनलाइट दिखाया है ताकि इसमें जो एक एनर्जी हमारे मीडिया में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में सिर्फ एक ही प्लांट रिपोर्टिंग करके बताऊंगा आपको। तो इस पॉट में हम प्लांट को शिफ्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम मीडिया को तैयार कर लेते हैं। ये हमने एक पॉट बराबर पूरा मीडिया ले लिया है, और इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं लगभग ये 3 से 4 साल की खाद है, ये गोबर की खाद है, जिसे हम बहुत ही, देखिए जैसे कि आपको समझ में आ रहा कि बहुत ही छोटा सा एक हमारा पॉट है, हम इसके भर के हम इसमें गोबर खाद यूज़ करेंगे। और यदि आपके पास फंगीसाइड हो तो फंगीसाइड इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, और इतनी खाद जो है हमारे प्लांट के लिए पर्याप्त है फ्लावरिंग करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, और इसे हम इसे अच्छी तरीके से मिला देते हैं, क्योंकि इसमें हमने खाद का यूज़ इसलिए कम किया है क्योंकि इस मीडिया में हमारे पहले भी खाद मिक्स था, इसलिए हमने खाद इसमें कम यूज़ किया है, और बहुत ज़्यादा खाद यूज़ करने में दिक्कत भी, बारिश में दिक्कत होती है, प्लांट में फंगस वगैरह का प्रॉब्लम आता है, तो इसके चलते हम कम खाद का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरी जो सावधानी रखने वाली जो बात है वो ये है कि जो हम पॉट लेते हैं इसके ड्रेनेज अच्छे होने चाहिए, और ड्रेनेज होल को हमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से कवर करना पड़ता है, तो उसके लिए भी मैंने ये कंकड़ पत्थर यूज़ करूँ। इसके बॉटम में हम सेट कर देंगे ये छोटे छोटे पत्थर वगैरह। तो इसमें देखिए दोस्तों, हमारे कुछ कोयले के टुकड़े भी हैं, ये भी हम इसमें यूज़ कर, थोड़ा सा सपोर्ट फंगस ना लगे उसके लिए प्लांट को सपोर्ट करते हैं कोयले के टुकड़े भी, इसलिए हम पॉट में कोयले के टुकड़े भी यूज़ करते हैं। ड्रेनेज यदि हमारा अच्छा रहेगा तो हमारे प्लांट को जो बारिश में प्रॉब्लम होती है रॉड वगैरह होने की, वो कम हो जाती है। और दूसरा, हमने ये देखिए नारियल के ये बूच लिए हैं, इसे भी हम पॉट में यूज़ करेंगे बॉटम में,
तो ये जो एक्स्ट्रा पानी को खींच लेगा। अब इसके बाद हम अपने मीडिया को फिल करेंगे अपने पॉट में। तो दोस्तों, जब तक मैं मीडिया को फिल करता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने जो चैनल में अभी फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं सारे प्लांट में यूज़ करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वाला जो प्लांट है, हम इस प्लांट में रिपोर्ट करेंगे। और ये जो आप यहाँ से निशान जो देख रहे हैं, देखिए, ये हमारा इतना मीडिया के अंदर था, तो इसे हम थोड़ा सा अपरूट करेंगे और इसे लगाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दिया, पॉट में लगा दिया है, और इसे अभी हम लगभग 4 से 5 दिन ऐसे ही छोड़ेंगे और उसके बाद हम वाटरिंग करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ मौसम डाउन है, तो थोड़ा सा ठंडी शीतलहर वगैरह चल रही है, इसलिए हम इसे अभी पानी नहीं देंगे। थोड़ा सा मौसम गर्म हो जाएगा 3-4 दिन में, तब हम इसे पानी देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद।